वहां नारियल तोड़ने गए लोग नारियल टूटना शुभ होता है, ये सड़क का टूटना क्या माने हमें बताइए आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आपको याद होगा हाल ही में बिजनौर से एक बहुत हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क थी, जिसमें से 700 मीटर सड़क बन गई थी और उसका शुभारंभ करने के लिए तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और इलाके की विधायिका भी मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन जैसे ही शुभारंभ करने के लिए नारियल सड़क पर तोड़ा, नारियल तो नहीं टूटा लेकिन सड़क टूट गई, सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया। विधायिका इस चीज से नाराज हो गई और वो तुरंत ही उन्होंने जांच के आदेश तो दिए ही, साथ ही साथ वो शुभारंभ का कार्यक्रम टालकर अपने घर वापस आ गई। इस संबंध में उनकी जो पूरी बात थी वो भी हमने आपको सुनाई थी और अब इस पर तंज कसा है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में इतना बड़ा मुद्दा हो गया तो इसको भुनाना तो था ही, यही वजह है कि अखिलेश यादव आगे आए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देखिए सड़क टूट जाती है और अब विकास की पोल खुल चुकी है। आप सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है, वहां नारियल तोड़ने गए लोग नारियल टूटना शुभ होता है, ये सड़क का टूटना क्या माने हमें बताइए आप। ये आप ये बताइए, नारियल टूटना चाहिए था कि सड़क टूटनी चाहिए थी? जोर से पटक दिया होगा। नहीं, लेकिन शुभ क्या माना जाए, नारियल टूटने का कि सड़क के टूटने का? ये तो पोल खुल गई इनकी। ये सब लोग जनता से घबराए हुए हैं, जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के द्वारा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इनकी भाषा बदलेगी और नेताओं का आना भी, संख्या बढ़ेगी। अभी तो कम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और जैसे जैसे हार का डर सजता आएगा इन्हें, तो इनकी यात्राएं भी बहुत निकलेंगी और दिल्ली से नेता भी बहुत आएंगे, इसलिए आप तैयार रहिए। और बहुत गंदगी की भाषा बोलेंगे ये। अभी आपको अखिलेश अली जिन्ना कहा गया, केशव मौर्य ने ही ये बयान दिया है। अखिलेश अली जिन्ना, हरिशंकर तिवारी से कोई मुलाकात हुई? देखिए जो 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 समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा, जो समाजवादी पार्टी में आना जाएगा उसका स्वागत है। मान लीजिए आज गौडमाना जनतन संदेश निकल रहा है, जनता के बीच में गौडमाना पार्टी के सदस्य लोग जाना चाहते हैं, तो पार्टी ने उनको स्वीकार किया और उनका समर्थन कर रही है पार्टी। तो जो समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत है, उसको शामिल किया जाएगा। ये विश्व गुरु, ये पार्टी के भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बनाना चाहती थी, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और बताइए जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पा सकते थे, जिन्हें रोजगार मिल सकता था, आज उनके साथ नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ आ जाइए राम, इधर आइए, इधर आइए, कहाँ रह गए आप? आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो।